नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। वैसे तो भारत में फोन पर ट्रिपल तलाक देना गैर कानूनी है। तीन तलाक के पीछे कोई पुख्ता वजह होनी चाहिए, लेकिन तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद भी कुछ लोग हैं जो इस कानून की नाफरमानी कर रहे हैं। ताजा मामला तेलंगाना के हैदराबाद से सामने आया है, जहाँ एक महिला को उसके पति ने फोन पर तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति का जन्म सोमालिया में हुआ था और उसके पास अमेरिका की नागरिकता है। हम 2015 में शादी कर चुके हैं। दो महीने पहले उसने मेरे पिता को फोन किया, मुझे स्पीकर से तलाक दे दिया। मुझे निवारण पाने के लिए सरकार की मदद की जरूरत है। पीड़ित महिला ने कहा कि शादी के बाद से आज की तारीख तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ये समझ के बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके पति ने फोन पर तलाक दिया, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। क्या हुआ? मेरी शादी 2015 में हुई। अब्दुल वहाब नाम के एक आदमी मेरे घर पर रिश्ता लेकर आए थे, मम्मी को कन्विंस करे शादी के लिए। मेरी शादी हुई थी, सब ठीक था। शादी के बाद में अब्दुल वली अब्दुल्ला अहमद से मेरी शादी हुई। सोमालिया के रेजिडेंट है, अमेरिका सिटीज़न है, अमेरिका में जॉब है उनकी। अमेरिका जाकर उन्होंने मेरे को फ़ोन पर तीन बार तलाक बोले। उसी के लिए मेरे को हक के लिए मेरे को बोलने का अपील करने का है। रिलेशन अच्छा था हम लोग का, बात भी हम लोग की हमेशा होती थी। थोड़े टाइम से 2 मंथ से थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, कॉल्स करके डिवोर्स के बारे में बात कर रहे थे। उन डिवोर्स के बारे में बात करने से मैं उनसे बात नहीं कर रहा था। उसके बाद में मेरे को पापा के फ़ोन पे कॉल करे, कॉल करके स्पीकर पे डालो, बोले पापा को पूछे आपकी लड़की कहाँ पर है। पापा बोले कि सामने है वो। तो उन्होंने बोले बाबा आप मौजूद है, आपकी मौजूदगी में मैं तलाक दे रहा हूँ, बोल के तीन बार मेरे को तलाक बोले। मेरे को गवर्नमेंट से हेल्प की ज़रूरत है। मैं चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन को गई थी, बहुत सारे जगह मैं उनके लिए गई थी पेपर्स लेके, लेकिन मेरी कोई भी हेल्प नहीं करे। मैं गवर्नमेंट से हेल्प की अपील कर रही हूँ। वहीं पीड़िता की मां का कहना है कि वो अपनी बेटी की दोबारा शादी करना चाहती है, जिसके लिए हमें तलाक के कागजात की जरूरत है। हमें कोई रखरखाव या आधिकारिक कागजी कार्रवाई नहीं मिली है। इसके साथ ही पीड़ित महिला की मां का कहना है कि उसकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी बच्ची का फ्यूचर देखना है मेरे को, मेरी बच्ची की शादी करने का है। दूसरी अब लोग कहीं भी गए भी तो प्याम होना है, बोले तो कोई भी डिवोर्स पेपर बताओ बोलती। अब उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा, ऐसा कुछ खर्चे के पैसे भी नहीं भेजे। मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए मेरे को, मेरी बच्ची को इंसाफ होना है। मेरी बच्ची की उम्र भी कम है, एज भी कम है मेरी बच्ची को। आप कहीं अप्रोच करें इसके लिए, मदद किसी से मांगे आप? जी हाँ, वहाँ पे पीएस को भी गई थी मैं, चंद्रान गुट्टा पीएस को भी गई थी। मेरे को कोई पीएस पे पुलिस वाले वो नहीं मिले, कहीं को करे माँ बोल के पूछे खाली। अभी फिलहाल उन्होंने अमेरिका में रहते, उन्होंने अमेरिका में जॉब है उनका। हालांकि उन्होंने कोई चीज़ का ऐसा रीज़न नहीं लिया मेरी बच्ची के साथ में, बोल के कुछ करना था उन्होंने, ऐसा है गलती बोल के बोलते तो मैं मानती थी उस चीज़ को, गलती भी नहीं बताई बच्ची की कुछ भी, खाली तलाक बोल के बोल दी उन्होंने। बता दें कि एक साथ ट्रिपल तलाक देना भारत में गैरकानूनी, हालांकि कानून बनने के बाद भी देश में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो चिंताजनक हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।